हाई गाइज़ माई नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट मशीन लर्निंग एलगोरिदम कवर करने वाले हैं एलगोरिदम uh, का नाम है ग्रेडियंट बूस्टिंग आई एम ब्रिटिश आपने इसका नाम सुना होगा बूस्टिंग uh, में इट्स लाइक वन ऑफ दोज प्राइमरी एलगोरिदम्स जिसको और बाकी एलगोरिदम्स यूज़ करते हैं सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एलगोरिदम इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली मैंने इस एलगोरिदम के ऊपर अपने चैनल पर पहले वीडियोज़ बना रखे हैं रिग्रेशन uh, के लिए बट uh, समहाउ मैं क्लासिफिकेशन के ऊपर वीडियो नहीं बना पाया था तो इस वीडियो में वॉट आई हैव डन इज़ कि मैंने बहुत डिटेल में ये समझाने की कोशिश की है कि ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफिकेशन सनारियोज में कैसे काम करता है ठीक है तो मेजरली दो चीज़ें कवर हुई हैं इस वीडियो में पहला मैंने एक बहुत छोटा येट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है स्टेप बाय स्टेप कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ग्रेडियंट बूस्टिंग फॉर क्लासिफिकेशन में और फिर सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो में मैंने एक और डेटा सेट का एग्जाम्पल लेकर के जोमेट्रिक इंट्यूशन भी दिया है द होल आइडिया इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल मैनर कि ग्रेडियन बूस्टिंग काम कैसे करता है क्लासिफिकेशन के सिनारियों में बिकॉज रिग्रेशन के केस में मे बी थोड़ा समझना आसान हो जाता है क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो दैट्स द गोल फॉर दिस वीडियो अब आपसे बस ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप पहली बार ग्रेडियन बूस्टिंग पढ़ रहे हो तो डायरेक्टली ये वीडियो मत देखो आप पहले मेरे चैनल पर रिग्रेशन वाला जो वीडियो है वो देखो ग्रेडियन बूस्टिंग का फिर आप ज्यादा बेटर समझ पाओगे तो वो जो वीडियो है रिग्रेशन वाला वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा सो या नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो गाइज लेट्स डिस्कस की ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफिकेशन के केस में कैसे काम करता है एक बार इस चीज को डिस्कस करने के पहले आई थिंक इट वुड बी ग्रेट अगर मैं आपको पहले एक छोटा इंट्रोडक्शन दे पाऊं कि ग्रेडियन बूस्टिंग होता क्या है सो बूस्टिंग इज एन ऑनसॉम्बल टेक्निक ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं और ऑनसॉम्बल uh, में भी कौन से टाइप की टेक्निक है ये बूस्टिंग ठीक है सो मैंने आपको बताया है बूस्टिंग में आप क्या करते हो कि आप बेसिकली मल्टीपल छोटे छोटे मॉडल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते चले जाते हो इन अ स्टेज वाइज फैशन स्टेज वाइज फैशन का मतलब दिस इज स्टेज वन स्टेज वन में आपके पास एक मॉडल है स्टेज टू में आपके पास दो मॉडल्स हो गए स्टेज थ्री में आपके पास तीन मॉडल्स हो गए तो आप क्या कर रहे हो आप बेसिकली अपना डेटा प्रोवाइड कर रहे हो फर्स्ट मॉडल को और बेसिक आइडिया ये है कि आपका जो फर्स्ट मॉडल है वो इस डेटा के ऊपर ट्रेन होगा कुछ गलतियां करेगा ये गलतियां आप अगले मॉडल को पास ऑन करोगे और आप बोलोगे कि यार देखो पिछले वाले मॉडल ने ये गलतियां की हैं आप प्लीज इसको थोड़ा देख लेना और फिर ये जो मॉडल है ये उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा तो बेसिकली इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये पहले वाले मॉडल के कंपैरिजन में बेटर होगा बट ये दोनों मिलकर के भी कुछ गलतियां करेंगे तो वो गलती हम थर्ड वाले को भेजेंगे थर्ड वाला उन गलतियों से सीखेगा और फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन पास्ट के जितने भी मॉडल्स हैं उनसे बेटर परफॉर्म करेगा सो so बेसिकली आप स्टेज वाइज फैशन में मॉडल्स ऐड करते जाते हो और इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है एडिटिव मॉडलिंग और यही वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर ग्रेडियंट बूस्टिंग काम करता है ये टेक्निक क्यों काम करता है मैंने आपको बता रखा है स्टिल आई गिव यू रिव्यू सो so, होता क्या है कि आपके पास मशीन लर्निंग में जो गोल होता है वो होता है कि यू वांट टू अचीव अ लो लो बायस वेरिएंस मॉडल बट ये अचीव कर पाना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज बायस इज काइंड ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेरियंस एक को बढ़ाने जाओगे एक को घटाने जाओगे दूसरा बढ़ जाता है बहुत ट्रिकी प्रॉब्लम है तो आप क्या करते हो कि आप एक्चुअली बूस्टिंग या फिर ग्रेडिंग बूस्टिंग में ये जो मॉडल्स आप सेलेक्ट करते हो नर्स वीक लर्नर्स वीक लर्नर्स का मतलब ऐसे मॉडल्स जिनका ट्रेनिंग डेटा के ऊपर जो आउटपुट है वो अच्छा नहीं होता है तो बेसिकली ये ऐसे मॉडल्स है जिनका बायस हाई होता है और फिर आप क्या करते हो ये एडिटिव मॉडलिंग यूज करके मल्टीपल हाई बायस हाई बायस है तो ऑब्वियसली लो वेरियंस होगा आप मल्टीपल हाई बायस एलगोरिदम्स को जोड़ करके उसको लो बायस में कन्वर्ट करते हो एंड दिस इज द मैजिक ऑफ ग्रेडिएंट बूस्टिंग सो अभी तक हम लोगों ने ग्रेडिएंट बूस्टिंग पढ़ा है रिग्रेशन के कॉन्टेक्स में जहां पर हमने एक छोटे से डेटा सेट के ऊपर ग्रेडिएंट बूस्टिंग अप्लाई किया था इन द सेटिंग ऑफ रिग्रेशन अब इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये सेम एल्गोरिदम क्लासिफिकेशन के केस में कैसे काम करता है ठीक है अब अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको रिग्रेशन के केस में स्पेशली जब हम मैथमेटिकल डिटेल्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये डरावना सा algorithm दिखाया था और मैंने बोला था कि दिस इज द एग्जैक्ट एल्गोरिदम जो ग्रेडियंट बूस्टिंग फॉलो करता है और मैंने इसको मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करके भी दिखाया था और फिर एक डेटा सेट के ऊपर कर रन करके भी दिखाया था नाउ द ब्यूटी ऑफ ग्रेडियन बूस्टिंग इज कि ग्रेडियन बूस्टिंग को क्लासिफिकेशन सेटिंग के लिए कोई डिफरेंट एल्गोरिदम फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है इनफैक्ट आई वुड शो यू कि आप ये एग्जैक्ट एल्गोरिदम जो आपने रिग्रेशन में यूज किया था इस एग्जैक्ट एल्गोरिदम को मैं क्लासिफिकेशन में भी यही सेम स्टेप्स लगा करके यूज करूंगा एंड वो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगा द ओनली डिफरेंस वुड बी कि आप जो लॉस फंक्शन रिग्रेशन में लेके चल रहे थे वो था मीन एरर ठीक है बट सिंस हम लोग क्लासिफिकेशन से है हम यहाँ पर लॉग लॉस को अपना लॉस फंक्शन लेके चलेंगे और सिर्फ इस छोटे से चेंज से यू वुड सी इस एल्गोरिदम में बहुत तरह के वेरिएशन आ जाएंगे एंड ऑटोमेटिकली ये एल्गोरिदम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को भी सोल्व कर देगा सो दिस इज द ब्रिलियंस ऑफ क्रिएटिन बूस्टिंग की एक सेम एल्गोरिदम रिग्रेशन पे भी काम कर रहा है क्लासिफिकेशन पे भी काम कर रहा है बस आप इनपुट में एक चीज बदल दे रहे हो कि आप कौन सा लॉस फंक्शन यूज करना चाहते हो तो अभी इस वीडियो में मैं मैथमेटिकल डिटेल्स में नहीं जाने वाला बिकॉज पहले थोड़ा हमें समझना चाहिए कि हो क्या रहा है फिर क्यों हो रहा है वो हम डिस्कस करेंगे तो मैथमेटिकल डिटेल्स आगे के वीडियो में डिस्कस होगा फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि जब आप ग्रेडियन बूस्टिंग को क्लासिफिकेशन सेटिंग में लगाते हो तो स्टेप बाय स्टेप कैसे आप काम करते हो तो गाइज अब ये पूरा एक्सप्लेनेशन में आपको दो पार्ट में दूंगा इन द फर्स्ट पार्ट आई विल यूज स्मॉल डेटा सेट टू एक्सप्लेन कि gradient boosting फॉर क्लासिफिकेशन में क्या क्या स्टेप्स involved हैं. और फिर जब आप एक बार ये समझ लोगे, फिर मैं आपको एक second पार्ट में आ, एक पूरा का पूरा geometric intuition दूंगा सो so दैट जो भी आपने समझा है वो एकदम अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए ठीक है तो स्टार्ट करने के पहले मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आपने ग्रेडियंट बूस्टिंग फॉर रिग्रेशन नहीं पढ़ा है वो वीडियोस नहीं देखें प्लीज़ एक बार पहले वो वीडियोस देख लो क्योंकि उसके बिना मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको कि क्लासिफिकेशन में कैसे चीज़ें काम करती हैं ठीक है तो चलो लेट स्टार्ट एक छोटा सा डेटा सेट लेते हैं जिसमें एग्जैक्टली exactly हमारे पास आठ रोज़ हैं और तीन कॉलम्स हैं एंड यू कैन सी इट इज अ क्लासिफिकेशन डेटा सेट वही हमारा पुराना एग्जाम्पल uh, जहाँ पे हमारे पास इनपुट में सी जी पी ए बोल करके एक कॉलम है और आई क्यू बोल करके एक कॉलम है और हमें प्रिडिक्ट करना है कि उस बच्चे का प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा ठीक है तो यू कैन सी फिलहाल मेरे पास आठ बच्चों का डेटा है मुझे इस डेटा सेट के ऊपर ग्रेडियन बूस्टिंग अप्लाई करना है और मुझे प्रिडिक्ट करना है किसी नए बच्चे के लिए कि उसका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा ठीक है तो बिल्कुल जैसे आप रिग्रेशन के केस में काम करते थे बिल्कुल सिमिलरली आप मूव करोगे आपका गोल क्या है कि आप मल्टीपल छोटे छोटे मॉडल्स बनाओगे और उनको स्टेज वाइज फैशन में एक दूसरे के साथ ऐड करते जाओगे और ऐसा करते करते इवेंचुअली आपके पास एक बड़ा ग्रेडियंट बूस्टिंग मॉडल बन जाएगा जो अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा ठीक है तो इस एग्जांपल के लिए मेरा प्लान है कि मैं टोटल मिला करके तीन मॉडल्स को यूज करूंगा दिस विल बी मॉडल वन इसको मैं एफ नॉट एक्स बुला रहा हूं बिकॉज एनी मॉडल इज अ मैथमेटिकल फंक्शन दिस विल बी अ दिस विल बी द सेकेंड मॉडल एफ वन एक्स

हम सिंपली मीन को ही अपना मॉडल बना लेते थे जस्ट मीन वैल्यू इज आवर मॉडल और फिर ये और ये रिग्रेशन के केस में डिसीजन ट्री होते थे तो यहां पर भी हम कुछ सिमिलर करने वाले हैं एफ नॉट एक्स विल बी अ सिंपल मॉडल मीन नहीं होगा पर कुछ और होगा थोड़ी देर बाद में आपको बताता हूँ बट ये दोनों अभी भी डिसीजन ट्रीज ही होंगे सो आई गेस आपको प्लान समझ में आ गया दिस इज आवर डेटा सेट एंड दिस इज आवर बूस्टिंग कंसिस्टिंग ऑफ थ्री मॉडल्स वन वेरी सिंपल मॉडल एंड टू डिसीजन ट्रीज ठीक है तो मैं स्टेज वाइज फैशन में आपको ये पूरी चीज करके दिखाऊंगा देर विल बी थ्री स्टेजेस फर्स्ट स्टेज में पहला मॉडल फिट करेंगे दूसरे स्टेज में पहला और दूसरा का कॉम्बिनेशन फिट करेंगे थर्ड स्टेज में पहला दूसरा और तीसरे का कॉम्बिनेशन फिट करेंगे आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई अब यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेज वन स्टेज वन में हमारा गोल होता है ये मॉडल को बिल्ड करना ठीक है बट ग्रेडिंग बूस्टिंग में आप क्या करते हो हमेशा यू स्टार्ट विथ अ वेरी सिंपल मॉडल एंड दैट इज वाई जब आप रिग्रेशन सेटिंग में थे तो आपने वहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और आपने बोला कि यार जो ही मेरा आउटपुट कॉलम है ना उसका मीन विल बिकम माई फर्स्ट मॉडल लाइक एकदम सिंपल स्टार्ट अनफॉर्चुनेटली सिंस दिस इज अ क्लासिफिकेशन सेटिंग यहाँ पे मीन कैल्कुलेट करना इज नॉट लॉजिकल तो क्या कैलकुलेट करेंगे हम हम कैलकुलेट करेंगे लॉग ऑफ ऑड्स। आई एम प्रिटी श्योर आपने ये टर्म पहले सुन रखा है ठीक है नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं लॉग ऑफ ऑड्स में आप क्या करते हो कि आप नंबर ऑफ वन कैलकुलेट करते हो और उसको नंबर ऑफ जीरो से डिवाइड कर देते हो और इस पूरी चीज का लॉग ले लेते हो जैसे हमारे केस में अगर आप देखो तो आप लॉग ऑफ यहाँ पे काउंट करो वन कितना है एक दो तीन चार पांच तो फाइव आ गया और जीरो कितना है एक दो और तीन आप ये वैल्यू निकालोगे और ये वैल्यू जो होगी यही आपका एफ नॉट एक्स है दिस इज योर फर्स्ट मॉडल ठीक है सो मैंने क्या किया है ये जो पूरा एग्जांपल मैं आपको दूंगा अभी इसके ऊपर एक गूगल को लैब नोटबुक बना रखी है मैंने और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये नोटबुक मिल जाएगी तो आप अगर चाहो तो जाकर के देख सकते हो कि सारा कैलकुलेशन कैसे हुआ है बट मैं सारा आउटपुट आपको यहाँ पर ही दिखाने वाला हूँ ठीक है तो यू कैन सी मैंने क्या किया मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट की ये वैल्यू आती है पॉइंट फाइव वन के बराबर एक चीज ख्याल रखनी है आपको कि हम लॉग बेस ई यूज करेंगे लॉग बेस टेन यूज नहीं करना है ठीक है तो जब आप लॉग बेस ई लगाते हो इस नंबर के ऊपर तो यू गेट दिस क्वांटिटी अब आप क्या आप कर रहे हो आप बोल दे रहे हो कि दिस इज माई इनिशियल प्रोडिक्शन दिस इज माई इनिशियल प्रोडिक्शन कुछ भी हो सीजीपी है कुछ भी हो आई क्यू हमें फर्क नहीं पड़ता हम बोलेंगे दिस इज द आउटपुट ठीक है अब यहां पर एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम यह है कि ये जो क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की ये लॉग ऑफ ऑर्ड्स है बट गोइंग फॉरवर्ड हमें रेजिडुअल्स कैलकुलेट करने होंगे जैसा हमने कैलकुलेट किया था रिग्रेशन के केस में तो रेजिडल कैलकुलेट करने के लिए आपको ये जो इस प्लेस्ड वाला कॉलम है इसको यूज करना पड़ेगा बट ये जो इस प्लेस्ड है ये काइंड kind ऑफ of आपको प्रोबेबिलिटी दे रहा है तो आप एक्चुअली प्रोबेबिलिटी और लॉग ऑफ ऑर्ड्स को आपस में मैथमेटिकली कंबाइन नहीं कर सकते साथ में यूज नहीं कर सकते तो आपको क्या करना पड़ता है और ये आप आगे मल्टीपल टाइम्स करोगे कि ये जो लॉग ऑफ ऑर्ड्स वैल्यू आपने निकाली है इससे आपको प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना होता है ठीक है कैसे कैलकुलेट होती है प्रोबेबिलिटी यूजिंग लॉग ऑफ ऑर्ड्स बहुत सिंपल एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला ये है डिवाइडेड बाय टू पावर माइनस लॉग ऑफ ऑर्ड्स सो बेसिकली अगर आप ये कैलकुलेट कर लो तो आपको आपकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू मिल जाएगी सो so मैंने क्या किया मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट की और ये वैल्यू कितनी आ रही है पॉइंट सिक्स टू और वही मैंने यहाँ पे किया है एंड यू कैन सी फॉर एवरी रो नाउ द प्रोबेबिलिटी इज पॉइंट सिक्स टू इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा जो मॉडल है कौन सा मॉडल ये पहला मॉडल स्टेज वन वाला मॉडल इसको आप इनपुट में कोई भी सीजीपीए दे दो कोई भी आईक्यू दे दो इसका आउटपुट हमेशा होगा पॉइंट सिक्स टू अब ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो आपका आउटपुट हमेशा या तो वन होना चाहिए या तो जीरो होना चाहिए तो लेट्स से हमने एक लिया तो से ऊपर जो भी होगा हम उसको वन बोलेंगे पॉइंट फाइव से नीचे जो भी होगा उसको हम जीरो बोलेंगे तो सिंस यहां पे हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो पॉइंट सिक्स टू है विच इज ग्रेटर तो हमारा आउटपुट होगा वन तो इन अ वे क्या हो रहा है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ बच्चे का सीजीपीए क्या है और बच्चे का आईक्यू क्या है हमारा जो पहला मॉडल है वो सीधे सीधे बोल रहा है कि प्लेसमेंट हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सीजीपीए क्या है आपका आईक्यू क्या है आपका प्लेसमेंट हो जाएगा लाइक द ड्रीम कॉलेज ऐसा कॉलेज अगर एग्जिस्ट करे हर कोई इसमें एडमिशन कराना चाहेगा तो ऑब्वियसली गलत है ये मॉडल और अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा बट दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट एंड ये जो आंसर आपको मिल रहा है सारे वन आने चाहिए वो एक्चुअली आपके डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे भी थोड़ा सा मैच कर रहा है आपके डेटा में पांच वन है तीन जीरो है तो इट्स क्वाइट लॉजिकल अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये नया बच्चा आया है इसका प्लेसमेंट होगा या नहीं अब आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है फिर भी आप डिस्ट्रीब्यूशन देख करके क्या ही प्रिडिक्ट करोगे वन बिकॉज मेजोरिटी में वन है तो अ वे आप कह सकते हो कि जो रिग्रेशन सेटिंग में मीन करता है वही काम क्लासिफिकेशन सेटिंग में लॉग ऑफ ऑर्ड्स करते हैं ठीक है जो भी है इस पॉइंट पे द गुड पार्ट इज कि हमने स्टेज वन पे पहुंच करके अपना पहला मॉडल बना लिया अब हमें क्या करना है कि ये जो पहला मॉडल है इसकी जो गलतियां हैं इसका जो एरर है उसको हमें दूसरे मॉडल के पास भेजना है और वहां से हमारा स्टेज टू स्टार्ट होगा तो गाइज अब अब स्टेज टू पे जाने के पहले एक काम कर लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट मॉडल है उसकी गलतियां कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसने कितना एरर किया तो अगर आपको एल्गोरिदम याद होगा रिग्रेशन वाले केस में तो हम गलतियां कैसे मेजर करते थे हम एक चीज कैलकुलेट करते थे जिसको हम बोलते थे और कैसे कैलकुलेट होता था बेसिकली जो आपका ट्रू आउटपुट है उसको आप सब करते थे जो आपका प्रिडिक्शन है उससे यही सेम काम आप यहाँ पे करोगे अगर आप ध्यान दो तो ये आपका ट्रू आउटपुट है और ये आपका प्रडिक्शन है आपको इन दोनों कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट करना है और वही किया है मैंने यू कैन सी मैंने एक नया कॉलम बना लिया है जिस रेजिडुअल वन जो कि बेसिकली इस कॉलम और इस कॉलम के सब्ट्रैक्शन से बना है यू कैन सी दैट ठीक है तो अब मेरे पास रेजिडुअल है ये मेरा फर्स्ट मॉडल था मुझे इसकी गलतियां समझ में आ गई अब मुझे क्या करना है मुझे एक नया मॉडल बनाना है जो कि एक्चुअली एक डिसीजन ट्री होगा जो कि इस मॉडल की की हुई गलतियों से सीखेगा और ये आप कैसे करते हो कि आप एक डिसीजन ट्री ट्रेन करोगे बट जो डिसीजन ट्री आप ट्रेन करोगे उसमें आपका इनपुट तो वही होगा जो आपके एक्चुअल इनपुट कॉलम्स है बट जो आपका आउटपुट है वाई वो ये कॉलम नहीं होगा आपके रेजिडुअल्स विल बिकम योर वाई ठीक है सो दिस इज वॉट आई हैव डन मैंने इन दोनों को एक्स मान के और इसको वाई मान करके एक डिसीजन ट्री को ट्रेन किया एक चीज आपको ख्याल रखनी है कि यहां पे जो डिसीजन ट्री है इट इज अ रिग्रेशन ट्री ऑल दो आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो बट आप एक रिग्रेशन ट्री यूज करते हो बिकॉज ये जो आपका आउटपुट है दिस इज अ नंबर दैट इज वाई यू यूज अ रिग्रेशन ट्री ठीक है और ये रिग्रेशन ट्री शुड बी अ वीक लर्नर दिस शुड नॉट बी अ फुली ग्रोन डिसीजन ट्री दैट इज वाई मैंने ये मेक श्योर sure किया है कि जो मैक्सिम लीव नोड हो मेरे ट्री में वो इक्वल टू थ्री हो ऑटोमेटिकली ट्री छोटा बन जाएगा एंड यू कैन सी दिस इज द ट्री यहाँ पर आप देख सकते हो पहला जो नोड है वो सी जी पी ए के बेसिस पे स्प्लिट मार रहा है और दूसरा जो नोड है वो आई क्यू के बेसिस पे स्प्लिट मार रहा है एंड दिस इज माई सेकेंड फंक्शन अब मुझे क्या करना है मुझे अपना पहला जो मॉडल था विच वॉज एफ वन एक्स और ये जो मेरा डिसीजन ट्री है एफ टू एक्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बड़ा मॉडल बनाना है दिस इज वॉट आई हैव टू डू ठीक है तो यहाँ पर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको करना पड़ेगा आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों का ये जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों का ये प्रिडिक्शन कैसे करेगा लेट्स से इसको हम एक नए बच्चे का सीजीपीए और आईक्यू देखते हैं तो ये जो मॉडल है कंबाइंड मॉडल ये आउटपुट कैसे देगा प्रिडिक्शन कैसे करेगा वो मैं आपको समझाता हूँ दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट सो थोड़ा ध्यान देना तो ऑब्वियसली जो ओवरऑल आउटपुट होगा वो पहला मॉडल का जो प्रिडिक्शन है प्लस जो दूसरे मॉडल का प्रिडिक्शन है दोनों को जोड़ करके बनेगा पहले मॉडल का जो प्रिडिक्शन है वो शायद आपको पता है वो है लॉग ऑफ ऑड्स वैल्यू विच इज बेसिकली दिस वैल्यू प्रोबेबिलिटी नहीं लॉग ऑफ ऑड्स ठीक है अब हमें पता करना है कि ये मॉडल टू आउटपुट कैसे देता है अब अगर आपको रिग्रेशन वाला केस याद होगा तो रिग्रेशन वाले केस में आउटपुट डिसीजन ट्री का वही होता था जो उसके लीफ नोड पे आउटपुट होता था बहुत सिंपल था रिग्रेशन केस में अनफॉर्चुनेटली क्लासिफिकेशन केस में यहां पर एक डिफरेंस आ जाता है बिकॉज आपने इस पूरे के पूरे डिसीजन ट्री को ट्रेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेजिडुअल और ये रेजिडूएल इज एक्चुअली डिफरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यूज आपको दिख रही हैं पॉइंट थ्री सेवन फाइव पॉइंट सिक्स टू फाइव पॉइंट जीरो फोर टू दे आर एक्चुअली प्रोबेबिलिटीज हम इस प्रोबेबिलिटी को पहले मॉडल के लॉग ऑफ ऑर्ड्स के साथ ऐड नहीं कर सकते सो so, होना क्या चाहिए किसी तरीके से हमें इन वैल्यूज को जो कि अभी प्रोबेबिलिटीज है इनको लॉग ऑफ ऑर्ड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और यहीं पर सबसे डिफिकल्ट कैसे so, एक formula आपको आपको करना पड़ता है which is this formula. आपको हर लीफ नोड के लिए दिस इज नोड नंबर वन दिस इज नोड नंबर थ्री दिस इज नोड नंबर फोर इन तीनों leaf nodes के लिए आपको यह फॉर्मूला लगाना पड़ता है और आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि हर नोड का लॉग ऑफ ऑड्स कितना होगा ये आपको निकालना पड़ेगा ठीक है अब ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है जैसे लेट्स से आपको इस इस नोड के लिए लॉग ऑफ ऑड्स वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि इस लीफ नोड में कितने पॉइंट्स आके गिर रहे हैं आउट ऑफ एट पॉइंट्स सो यू कैन सी ऑलरेडी यहां पे आपको दिख रहा होगा कि देर आर थ्री पॉइंट्स ठीक है सिमिलरली इस वाले नोड में देर आर टू पॉइंट्स और इस वाले नोड में देर आर थ्री पॉइंट तो लेट्स फोकस ऑन दिस वन हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो तीन पॉइंट्स हैं सबसे पहले खोजना पड़ेगा कि कौन से तीन पॉइंट्स नोड नंबर वन में आके गिरे हैं ठीक है तो ये करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है साइकिट लर्न में वो बता देता है कि कौन सा रो किस लीफ नोड में जाके गिरा मैंने वही किया मैंने ये एक नया कॉलम बना लिया ये नया कॉलम हर रो को बता रहा है कि तुम कौन से नोड में जाके गिर रहे हो जैसे कि ये जो पहला रो है ये नोड नंबर थ्री में जाके गिर रहा है जो मेरा दूसरा नोड दूसरा रो है वो वन में जाके गिर रहा है और सिमिलरली जो मेरा फिफ्थ है वो फोर में जाके गिर रहा है सो बेसिकली मैंने लेबल कर लिया कि कौन कौन से पॉइंट्स कौन से कौन से लीफ नोड में गिर रहे हैं सो so अगर मैं बात करूं कि वन अगर मैं बात करूं कि वन में कौन कौन आके गिर रहा है तो यू कैन सी वन में ये ये और ये गिर रहे हैं ठीक है तो जस्ट कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो इसलिए मैं इस नोड का लॉग ऑफ ऑर्ड्स कैलकुलेट करूँगा ठीक है क्योंकि इसमें सिर्फ दो पॉइंट्स गिर रहे हैं कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा ठीक है तो ध्यान देना क्या करेंगे हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे हमें पहले से पता है कि ये पहला वाला रो और ये लास्ट वाला रो यही दोनों इस नोड में आके गिरे हैं तो बेसिकली दिस रो एंड दिस रो एंड नाउ यू यू विल यूज दीज टू रोज टू कैलकुलेट द लॉ ऑफ ऑर्ड्स वैल्यू कैसे देखो आप क्या करोगे आप ये फॉर्मुला लगाओगे सबसे पहले न्यूमरेटर पे फोकस करते हैं आपको क्या करना है ये दोनों जो पॉइंट हैं इनके रेजिडुअल का सम निकालना है इनका रेजिडुअल है ये सिंस दोनों नेगेटिव है सम का मतलब दोनों इस तरीके से ऐड होंगे उसके बाद आपको दोनों के प्रीवियस प्रोबेबिलिटीज खोजने हैं, तो इन दोनों का प्रीवियस प्रोबेबिलिटी ये है तो आप लिखोगे पहले वाले पॉइंट के लिए पॉइंट सिक्स टू फाइव मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस पॉइंट सिक्स टू फाइव प्लस दूसरे वाले के लिए पॉइंट सिक्स टू फाइव मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस पॉइंट सिक्स टू फाइव अब अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा टू टाइम्स और राधर माइनस टू टाइम्स पॉइंट सिक्स टू फाइव डिवाइडेड बाय पॉइंट सिक्स टू फाइव मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट थ्री सेवन फाइव प्लस पॉइंट सिक्स टू फाइव मल्टीप्लाइड बायट थ्री सेवन फाइव इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस टू टाइम्स बाई टू टाइम्स टू फाइव मल्टीप्लाईड बाय पॉइंट थ्री सेवन फाइव ये टर्म ये टर्म कैंसिल हो गया आपके पास बचा माइनस वन डिवाइडेड बाय पॉइंट थ्री सेवन फाइव आप अब आपको क्या करना है यू हैव टू यूज द कैलकुलेटर

सबसे पहले इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द लॉग ऑफ ऑर्ड्स आपको सबसे पहले खोजना पड़ेगा कि कौन से तीन पॉइंट्स कौन से तीन पॉइंट्स इस लीफ नोड में आके गिरे हैं और उनकी उन तीनों पॉइंट्स के ऊपर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ वीडियो पॉज करके जैसे मैंने ये कैलकुलेट किया है वैसे ही मैं बाकी दोनों लीव नोट्स के लिए इसके लिए और इसके लिए कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ गाइज so मैंने ये कैलकुलेशन कर दिया यू कैन सी इस लीफ नोड के लिए द लॉग ऑफ ऑर्ड्स वैल्यू इज पॉइंट वन एट और इसके लिए इट इज वन पॉइंट सिक्स सो मेरे पास तीनों लीफ नोड्स के लिए लॉग ऑफ ऑर्ड्स वैल्यू आ चुकी है ठीक है अब देखो हमें क्या करना है अब हमें मैंने आपको जो बोला था कि हमें अपने ओवरऑल मॉडल पहला मॉडल प्लस दूसरा मॉडल दोनों का कंबाइंड आउटपुट निकालना था तो इसका तो लॉग ऑफ हॉट्स हमें पता है पॉइंट फाइव वन है और ये डिसीजन ट्री है तो इसका भी हमने हर लीफ के बेसिस पे पता कर लिया तो अब देखो हम कैसे अपने हर रो के लिए ओवरऑल आउटपुट कैलकुलेट करेंगे ठीक है ध्यान देना सो so, बेसिकली ये रहा हमारा फर्स्ट मॉडल इसका आउटपुट विल ऑलवेज बी पॉइंट फाइव वन और यहां पर हमें पता चल गया है इसका आउटपुट है 1.6 और इनफैक्ट uh, एक काम करते हैं यहां पे लिख लेते हैं प्लस इसका आउटपुट इज 1.6 पॉइंट सिक्स माइनस टू पॉइंट सिक्स सिक्स एंड पॉइंट वन एट अब हम क्या करने वाले हैं हम अपने हर रो के लिए ओवरऑल आउटपुट लॉग ऑफ ऑर्ड्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ठीक है लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रो सो फर्स्ट रो थर्ड लीफ में जाके गिर है विच इज दिस वन तो गोइंग बाय दैट लॉजिक इसका आउटपुट होगा 0.51 प्लस माइनस 2.66 जो कि होना चाहिए माइनस टू पॉइंट वन फाइव ठीक है और ये देखो, गाइस ये भी मैंने कैलकुलेट करके रखा है ये रहा इसका आउटपुट सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट वाले पॉइंट का देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट वन वाली लीफ में जाके गिर रहा है, कौन सी लीफ ये वाली लीफ तो इसका आउटपुट हो जाएगा पॉइंट फाइव वन प्लस वन पॉइंट सिक्स सो दिस वुड बी वन 1, 2.11, एंड यू कैन सी दिस इज द आउटपुट 2.11 और इस तरीके से आप क्या करोगे हर रो के बारे में पता करोगे कि वो कौन सी लीफ में जाके गिरा उस लीफ का जो लॉग ऑफ ऑर्ट्स आपने कैलकुलेट किया है उसको आप उठा करके फर्स्ट मॉडल के लॉग ऑफ ऑट्स में जोड़ दोगे और ऐसा करने से आपको अपने सारे के सारे रोज के लिए जो कंबाइंड मॉडल है आपका कंबाइंड मॉडल का लॉग ऑफ आउटपुट आपको मिल जाएगा ठीक है? But हम पूरे टाइम क्या कर रहे हैं? लॉग ऑफ ऑर्ड्स को वापस प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट कर रहे हैं बिकॉज हमें रेजिडुअल्स निकालने हैं। तो यही सेम काम हम फिर से करेंगे कि ये जो लॉग ऑफ ऑर्ड्स वैल्यू निकल रही है हर रो के लिए हम इसको वापस प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला सो मान लो अगर आपको इस पॉइंट के लिए कर, करना है कैलकुलेट तो ये हो जाएगा वन वन प्लस ई टू पावर माइनस टू पॉइंट एक्चुअली ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू पॉइंट वन फाइव नाइन मैं आपको ये कैलकुलेशन करके दिखाता हूं वन डिवाइडेड बाय वन प्लस ई टू द पावर टू पॉइंट वन फाइव एंड इट इज पॉइंट वन जीरो दिस इज कमिंग आउट टू बी पॉइंट वन जीरो और गाइजियाई हमने यहाँ पे किया है ये अगली वाली चीज देखो हमने हर लॉग ऑफ ऑट्स वैल्यू को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया न सी फर्स्ट वाले का जो प्रोबाबिलिटी आ रहा है वो पॉइंट वन जीरो आ रहा है ठीक है सो अभी तक जो हमारा कंबाइंड मॉडल है अगर आप उसको ये फर्स्ट डेटा पॉइंट दोगे तो ये दोनों मिल करके बोल रहे हैं कि इस पॉइंट के वन होने का प्रोबाबिलिटी इस पॉइंट वन जीरो और टेन परसेंट तो अगर आपने फिफ्टी परसेंट या फिर पॉइंट फाइव का कट ऑफ ले रखा है तो उस लॉजिक से आप बोलोगे कि ये पॉइंट तो भाई जीरो है विच इज एक्चुअली ट्रू यू कैन सी आगे भी देखो बाकी के पॉइंट्स पॉइंट एट आ रहा है मतलब वन है वेरी क्लोज टू दिस सो इन अ वे आप देख पा रहे हो कि आपकी जो इनिशियल प्रोबेबिलिटीज थी वहां से आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट पे आ गए ठीक है अब हमारे पास ये दोनों का कंबाइंड मॉडल है और अब हम क्या करेंगे एक थर्ड मॉडल और ऐड करेंगे विच विल बी स्टेज थ्री बट उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों मॉडल्स का जो एरर है जो गलतियां हैं हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा सो so बेसिकली इस मॉडल का रेजिडुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा और मैंने वही किया मैंने फिर से क्या किया ये जो मेरा वाई है वाई माइनस एफ वन एक्स एक्चुअली एफ नॉट एक्स प्लस एफ वन एक्स जो मेरा सेकेंड मॉडल है इन दोनों के कंबाइंड मॉडल को वाई से सब्ट्रैक्ट किया बेसिकली कुछ खास नहीं किया मैंने इस कॉलम को उठाया और उसको इस कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड ये मुझे मेरा सेकेंड स्टेज का रेजिडुअल मिल गया इन दोनों मॉडल्स के कंबाइंड जो भी गलती की वो मुझे मिल गया और अब फिर से मैंने क्या किया मैंने अब एक नया डिसीजन ट्री बनाया किसके किसके बीच मैंने लिए अपने इनपुट कॉलम्स और मैंने इसको मान लिया अपना वाई और मैंने फिर से एक डिसीजन ट्री को ट्रेन किया और ये डिसीजन ट्री आपके स्क्रीन पर है दिस इज द डिसीजन ट्री दिस इज माई सेकेंड डिसजन ट्री ठीक है तो नाउ वी हैव रीच्ड अ प्लेस जहाँ पे मेरे पास मेरा पहला मॉडल है सेकेंड मॉडल है विच इज अ डिसजन ट्री एंड नाउ आई ऑल्सो हैव माई थर्ड मॉडल विच इज अगेन अ डिसजन ट्री अब हमें फिर से क्या करना है इन तीनों का जो कंबाइंड मॉडल बनेगा उसका आउटपुट कैसे निकलेगा वो सोचना है और आउटपुट लॉग ऑफ ऑर्ड्स के फॉर्मेट में निकलेगा तो फिर से वी आर गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग्स बाय द वे एक चीज शायद आपने नोटिस की होगी ये हमारा सिर्फ पहले मॉडल का रेजिडुअल है ये हमारा सिर्फ पहले मॉडल का रेजिडुअल है जब हमारे पास सिर्फ एक मॉडल था हमारा घटिया मॉडल और ये हमारा कंबाइंड मॉडल का रेजिडुअल है एरर है एक चीज आप नोटिस करोगे कि अगर आप इनको साइड बाय साइड कंपेयर करो तो जो रेजिडुअल है जो एरर है वो जीरो की तरफ बढ़ रहा है जैसे इस पॉइंट के लिए आप देखो शुरू में एरर था माइनस पॉइंट सिक्स वो देखो कहाँ पे पहुंच गया माइनस पॉइंट वन जीरो की तरफ जा रहा है यहाँ पर देखो आपका एरर कितना था इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पॉइंट थ्री सेवन फाइव वो देखो कितना हो गया पॉइंट वन जीरो जीरो की तरफ जा रहा है कोई भी पॉइंट उठा लो लेट्स से आप ये पॉइंट उठा लो ये भी देखो जीरो की तरफ बढ़ रहा है तो यू कैन सी फायदा हो रहा है जब आप नए मॉडल्स ऐड कर रहे हो जो एरर है वो रिड्यूस हो रहा है अब अगर आपको ये जंप बहुत एब्रप्ट लग रहा है कि यार सीधे मैं माइनस पॉइंट सिक्स से माइनस पॉइंट वन पे आ गया बहुत बड़ा जंप ले रहा हूं मैं तो आप चाहो तो इस जंप को रिड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लर्निंग रेट बहुत सिंपल है आप क्या करो कि आपका पहला मॉडल प्लस दूसरा मॉडल का आउटपुट था तो दूसरे मॉडल के आउटपुट को आप एक लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई कर दो मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि आप डायरेक्टली 1.6 पॉइंट एड करने के बदले एक लर्निंग रेट ले लो से लर्निंग रेट इज पॉइंट तो रादर देन 1.6 आप ऐड करोगे पॉइंट तो ये जो जंप है ये थोड़ा छोटा हो जाएगा ग्रेजुअल हो जाएगा तो एक लर्निंग रेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है ठीक है तो कहीं और अगर आप पढ़ रहे हो तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज द होल आइडिया इज कि अगर आपका पहला मॉडल का जो एरर था और आपका दूसरा मॉडल को एड करने के बाद जो कंबाइंड मॉडल का एरर था उन दोनों के बीच में बहुत शार्प डिफरेंस है जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉइंट माइनस सिक्स से माइनस पॉइंट सिक्स से आप माइनस पॉइंट वन तक आ गए दिस इज अग जंप जम्प द मैग्निट्यूड ऑफ द जम्प तो आप बस क्या करोगे जो डिसीजन ट्री आपने बनाया है उसका जो लॉग ऑफ ऑर्ड वैल्यू है उसको आप एक लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड लर्निंग रेट इज जनरली इक्वल टू पॉइंट वन ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट बस आपको बताना था इसलिए मैंने आपको बता दिया तो गॉइज अब हम लोग इस जगह पहुंच गए कि हमारे पास हमारे बूस्टिंग में तीन मॉडल्स हैं एफ नॉट एक्स एफ वन एक्स एफ टू एक्स इनमें से एफ वन एक्स एफ टू एक्स सिंपल लॉग ऑफ ऑर्ट्स मॉडल यहां पर अब हमें क्या करना है कि इन तीनों का जो कंबाइंड मॉडल बनेगा हमें इसका आउटपुट कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ लॉग ऑफ ऑर्ट्स द गुड पार्ट इज कि पहले मॉडल का तो हमें पता ही है लॉग ऑफ ऑर्ट वैल्यू क्या है पॉइंट फाइव वन दूसरे वाले का भी पता है कि डिपेंडिंग ऑन आप कौन से नोड में जाके गिर रहे हो आपका लॉग ऑफ वैल्यू क्या होगा अब हमें फिर से सेम काम करना पड़ेगा हमें इन तीनों के लिए फिर से लॉग ऑफ ऑर्ड्स वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा यूजिंग दिस फॉर्मूला तो फिर से मैंने क्या किया सेम काम किया यू कैन सी इस नोड में तीन पॉइंट्स आके गिरे हैं इसमें चार पॉइंट्स आके गिरे हैं और इसमें एक पॉइंट आके गिरा है तो मैंने फिर से क्या किया मैंने हर रो से पूछा कि तुम कौन से लीफ नोड में जाके गिरे हो? यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये 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 और ये ये चारों पॉइंट्स थ्री में जाके गिरे हैं ठीक है और ये ये और ये ये तीन पॉइंट्स नोट uh, टू में जाके गिरे हैं और एक ये पॉइंट जो है सिंगल पॉइंट ये इस लीफ नोड में जाके गिरा है ठीक है तो एक बार फिर से जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैं आपको इस पर्टिकुलर लीफ नोड का लॉग ऑफ ऑट्स वैल्यू कैलकुलेट करके बताता हूँ बहुत सिंपल है आप क्या करोगे आप इस पॉइंट का जो रेजिडुअल है आप वो ले लोगे दिस इज द रेजिडुअल माइनस पॉइंट सिक्स सिक्स और आप उसको डिवाइड कर दोगे जो उसका प्रीवियस प्रोबेबिलिटी है दिस इज द प्रीवियस प्रोबेबिलिटी तो आप यहां पे लिखोगे पॉइंट सिक्स सिक्स मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस पॉइंट सिक्स सिक्स ये और ये कैंसल हो जाएगा आपके पास बचेगा माइनस वन पॉइंट थ्री फोर और आप क्या करोगे आप ये कैलकुलेट कर लोगे सो so, आप लिखोगे वन डिवाइडेड बाय पॉइंट थ्री फोर इक्वल्स टू पॉइंट नाइन फोर तो बेसिकली इस पॉइंट का इस लीफ नोड का आउटपुट विल बी टू पॉइंट नाइन फोर और इस तरीके से मैं वीडियो पॉज करके बाकी दोनों के लिए भी बाकी दोनों लीफ नोट्स के लिए भी ये वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाता हूँ तो या गाइस आई हैव डन द कैलकुलेशंस Uh, इस लीफ नोड के लिए दिस इज द लॉग ऑफ ऑर्ड्स वैल्यू और इसके लिए दिस इज द लॉग ऑफ द ऑर्ड्स वैल्यू अब हम क्या करेंगे हम अपने हर रो के लिए इन तीनों मॉडल्स का मिला करके जो कंबाइंड लॉग ऑफ ऑर्ड्स है वो निकालेंगे द गुड पार्ट इज कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमने ऑलरेडी निकाल रखा है यू कैन सी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पहले दो मॉडल्स के कॉम्बिनेशन से बना है अब इसमें बस हमें थर्ड वाले का लॉग ऑफ आउट ऑर्ड्स ऐड करना है तो बहुत सिंपल है हम इस पहले रो के लिए पूछेंगे कि तुम कौन से लीफ में जाके गिरे ये जाके गिरा है लीफ नंबर थ्री में तो हम अपने सेकेंड डिसीजन ट्री में उस लीफ का लॉग ऑफ ऑर्ड्स वैल्यू निकाल लेंगे विच इज वन और उसमें हम इस वैल्यू को एड कर देंगे माइनस 2.15 पॉइंट वन फाइव प्लस दिस एंड दिस शुड कम आउट टू बी माइनस 1.06 यस माइनस वन और ये मैंने कैलकुलेट करके रखा है एंड यू कैन सी ये रहा आपका आउटपुट सिमिलरली दूसरे वाला पॉइंट जो है वो भी थ्री में ही जाके गिरा है तो इसका जो एग्जिस्टिंग है टू पॉइंट वन वन उसमें हम ऐड कर देंगे जीरो नाइन कैन सी थ्री टू जीरो इज द लॉग ऑफ ऑर्ड्स वैल्यू और इस तरीके से मैंने सारी की सारी लॉग ऑफ ऑर्ड्स वैल्यू कैलकुलेट करके रख लिए है और फिर से वन लास्ट टाइम सिंस हम आउटपुट कभी भी लॉग ऑफ आर्ट्स के टर्म्स में नहीं देते हमें उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला तो हमने हर पॉइंट को लिया जैसे इस पॉइंट को लिया और यहाँ पे हमने डाल दिया प्लस वन पॉइंट जीरो सिक्स और इससे हमें ये प्रोबेबिलिटी मिल गई सो so, हमारे तीनों मॉडल्स को जब हम कंबाइंड यूज कर रहे हैं तो उस कंबाइंड मॉडल को जब हमने ये इनपुट दिया तो हमारा कंबाइंड मॉडल बोल रहा है कि इस पॉइंट के वन होने की प्रोबेबिलिटी पॉइंट टू फाइव है और अगर आपका पॉइंट फाइव तो आप इसको बोल सकते हो कि ये जीरो होगा विच इज वेरी क्लोज टू वॉट इज देयर इन डेटा सिमिलरली इसका पॉइंट नाइन सिक्स आ रहा है तो ये वन बन जाएगा विच इज अगेन वॉट इज देयर इन डेटा ठीक है तो अब मैं बस एक लास्ट काम करूंगा हमारे पास ये जो हमारा कंबाइंड मॉडल है ये जो आपके स्क्रीन पर है इसको यूज करके मैं एक नए पॉइंट के लिए प्रिडिक्शन करके दिखाऊंगा कि प्रिडिक्शन एग्जैक्टली exactly कैसे होता है सो so गाइस चलो थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक नया क्वेरी पॉइंट है एक स्टूडेंट का डेटा है जहां पे हमें पता है कि उसका सी जी पी इज सेवन पॉइंट टू और उसका आई क्यू इज हंड्रेड और हमें बताना है कि उसका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा यूजिंग दिस बूस्टिंग मॉडल ठीक है तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है स्टेप्स बहुत सिंपल है आप क्या करोगे इस कंबाइंड मॉडल के बेसिस पे इस क्वेरी पॉइंट के लिए आप पहले लॉग ऑफ ऑर्ड्स वैल्यू कैलकुलेट करोगे और फिर उस लॉग ऑफ ऑर्ड्स वैल्यू से आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे और इस प्रोबेबिलिटी से आप आउटपुट बताओगे ठीक है तो चलो Uh, सबसे पहले हम इस क्वेरी पॉइंट को इन तीनों मॉडल्स में भेजेंगे सो so, हमने पहले मॉडल में जब भेजा तो हमें पता ही है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ सी जी पी ए कुछ भी हो आईक्यू कुछ भी हो योर आउटपुट विल ऑलवेज बी पॉइंट फाइव वन ठीक है अब हम इस क्वेरी पॉइंट को इस डिसीजन ट्री में भेजेंगे तो एक इफ एल्स के तरीके से डिसाइड होगा कि लॉग ऑफ ऑर्ड्स वैल्यू क्या होनी चाहिए तो सबसे पहला क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं सी जी पी ए के ऊपर कि क्या सीजीपीए सिक्स पॉइंट थ्री सेवन से कम है यस और नो द आंसर इज नो तो हम यहां पे आ जाएंगे और अब हम अगला क्वेश्चन पूछेंगे क्या आई क्यू एक सो बत्तीस से कम है यस और नो द आंसर इज यस तो दिस विल बी द आउटपुट फ्रॉम आवर डिसीजन ट्री फिर इसी डेटा पॉइंट को हम लोग हमारे सेकेंड डिसीजन ट्री में भेजेंगे और फिर से एल्स के बेसिस पे डिसाइड होगा कि लॉग ऑफ आर्ट्स क्या होगा तो पहला क्वेश्चन फिर से सीजीपीए के ऊपर है क्या सीजीपीए 6.99 से कम है या ज्यादा है तो ज्यादा है तो हम यहां आ गए एंड आउटपुट 1.56 सो इफ आई कैन ओपन द कैलकुलेटर सो द आउटपुट इज द लॉग ऑफ ऑर्ट्स आउटपुट इज पॉइंट माइनस टू पॉइंट सिक्स सिक्स प्लस वन पॉइंट फाइव सिक्स एंड दिस इज माइनस पॉइंट ठीक है तो हमारे पास लॉग ऑफ ऑर्ट्स वैल्यू आ गई माइनस पॉइंट फाइव नाइन अब इससे हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा ई टू दी पावर पॉइंट फाइव नाइन ठीक है Let's do the calculation. 1 divided by 1 plus e raised to the power 0.59, and this is the output, 0.35. और अगर हम पॉइंट फाइव का थ्रेश पकड़ के चल रहे हैं तो वी कैन से इस बच्चे का प्लेसमेंट नहीं होगा द आउटपुट वुड बी जीरो एंड दिस इज हाउ

ये एक एग्जाम्पल के अलावा एक जोमेट्रिक इंट्यूशन भी दे पाऊं सो नेक्स्ट हम लोग वही करने वाले हैं ये जो भी आपने स्टेप बाय स्टेप ये सीक्वेंस ऑफ चीजें की एक बार हम देखते हैं कि इसका ज्योमेट्रिक इंट्यूशन क्या है सो so, मैं थोड़ा सा सर्च कर रहा था इनफैक्ट मैं खुद भी ज्योमेट्रिक इंट्यूशन के लिए कोड लिखने की कोशिश कर रहा था बट देन आई फाउंड आउट दिस वेरी ब्यूटिफुली रिटन ब्लॉग जहाँ पर जो ऑथर हैं उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से कोड लिख करके प्रॉपर जोमेट्रिक इंट्यूशन दिया कि कैसे ग्रेडियन बूस्टिंग क्लासिफिकेशन के केस में काम करता है एंड द गुड पार्ट अबाउट दिस ब्लॉग इज कि कोड साथ में दिया गया है तो मैं क्या करने वाला हूँ मैं ये पर्टिकुलर कोड आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग का लिंक और इस कोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आई वुड रिकमेंड वीडियो देखने के बाद आप एक बार इस कोड के साथ थोड़ा सा जस्ट प्ले अराउंड और अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो ठीक है बट मीन वाइल वट आई डो इज आई जस्ट गो थ्रू दिस कोड एंड आई शो यू द ग्राफ्स और उनका इंटरप्रिटेशन क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं ठीक है तो ऑथर ने क्या किया कि ही टुक दिस डेटा सेट विच इज लाइक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा सेट नॉन लीनियर है दो क्लासेस हैं, रेड एंड येलो आपका काम है कि आप इसके ऊपर ग्रेडियंट बूस्टिंग लगा करके क्लासिफिकेशन करना चाहते हो, बेसिकली कि आप रेड पॉइंट्स को अलग करना चाहते हो येलो पॉइंट्स को अलग करना चाहते हो तो जस्ट लाइक अस वॉट ही डिड ही स्टार्टेड विद अ टेरिबल मॉडल ठीक है तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक इंट्यूशन सही से आपको दिखाई दे इसलिए क्या किया गया है कि ये जो टू डी डेटा है इसको थ्री डी में ले आया गया है सो यहाँ पर दो कॉलम्स हैं इनपुट कॉलम्स एक्स वन एंड एक्स टू और इस ग्राफ में क्या हुआ है कि उस टू डी डेटा को थ्री डी में ले आया गया है कैसे बहुत सिंपल है आपका एक्स वन और एक्स टू अभी भी है एक थर्ड कॉलम ऐड कर दिया गया है और वो कॉलम है वाई कॉलम मतलब आपका जो आउटपुट वैल्यू है ठीक है सो so, जैसे कि रेड वाला जो पॉइंट्स है वो क्लास वन है एज इन उनका वाई वैल्यू इज वन और जो येलो वाले पॉइंट्स है उनका वाई वैल्यू इज जीरो तो बस वही यहां पर किया गया यू कैन सी दो लेवल्स पे आ गए सारे पॉइंट्स येलो वाले पॉइंट्स इन्स वो जीरो वाले पॉइंट्स हैं वो जीरो पे रह गए और रेड वाले पॉइंट्स सिंस वो वन वाले पॉइंट्स हैं वो वन वाले लेवल पे आ गए तो बेसिकली हमने स्टूडी डेटा को थ्री में रिप्रेजेंट कर दिया ठीक है अब हमें क्या करना है कि हमें अपना पहला मॉडल बिल्ड करना है सो so, अगर आपको याद होगा हमें ये पहला मॉडल चाहिए और आपको पता है कि जो पहला मॉडल होता है वो बहुत ही सिंपल होता है और जनरली उसका प्रोडिक्शन भी बहुत ऑफ होता है हमारे केस में हम लोग लॉग ऑफ ऑर्ड्स लेते हैं ठीक है सो यहाँ पर जो राइटर है जो ऑथर है उन्होंने रादर देन टेकिंग लॉग ऑफ ऑर्ड्स ही स्टार्टेड विद अ वेरी सिंपल वैल्यू वाई कॉलम का जो भी मीन है ठीक है तो इट वॉज समवेयर अराउंड पॉइंट फाइव सिक्स प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं uh, यहाँ पे कहीं लिखा भी हुआ था अभी मुझे नहीं पता बट या दिस इज द प्रिडिक्शन स्टेज वन का प्रिडिक्शन एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी दिस इज नॉट लॉग ऑफ हॉड्स तो वॉट ही डिड ही प्लॉटेड अ डिसीजन बाउंड्री लाइक दिस आपको शायद थोड़ा सा दिख भी रहा होगा पॉइंट फाइव से थोड़ा ऊपर है ठीक है आई गेस हाँ पॉइंट फाइव फाइव है जेड वैल्यू देखो पॉइंट फाइव फाइव है तो ही स्टार्टेड विद मॉडल सो राइट नाउ दिस इज आर एफ नॉट एक्स और सिंस ये पॉइंट फाइव फाइव पर है तो ये हर पॉइंट को रेड uh, पॉइंट बताएगा बिकॉज पॉइंट फाइव फाइव इज ग्रेटर कोई भी आप पॉइंट लेके आओ इस मॉडल के हिसाब से उसका आउटपुट शुड भी वन ठीक है अब यहां से मेन चीज शुरू होती है तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो अपना टेरेबल मॉडल है ये जो ऑरेंज कलर का जो मॉडल है हम इसका रेजिडुअल कैलकुलेट करेंगे सारे के सारे डेटा पॉइंट्स के साथ और वही यहां पर किया गया है यू कैन सी हम अपने टेरिबल मॉडल का रेजिडुअल्स कैलकुलेट कर रहे हैं विथ एवरी डेटा पॉइंट यू कैन सी और अब अगर आपको याद होगा तो हमें क्या करना है इस पॉइंट पे हमारे पास मैं थोड़ा नीचे जाता हूं हमारे पास एफ वन है एफ वन नहीं है एक्चुअली एक्स वन है X2 है Y था हमने अपना प्रिडिक्शन कैलकुलेट किया और हमने अपना रेजिडुअल भी कैलकुलेट कर लिया तो अब हम क्या करेंगे इस डेटा को लेंगे इस डेटा को लेंगे और इन दोनों को मिला करके हम अपना पहला डिसीजन ट्री को ट्रेन करेंगे सो so, यहाँ पर यही होने वाला है ये बड़ा सा कोड लिखा हुआ है ट्रेन एंड अपडेट बोल के एक फंक्शन बनाया गया है जहाँ पर एक डिसीजन ट्री रिग्रेसर को ट्रेन किया जा रहा है विथ मैक्स डेप्थ इक्वल टू वन ठीक है मतलब इसमें दो लीफ नोट्स होंगे और आगे काफी सारा डिस्क्रिप्शन है उस ट्री का जो प्लॉट होगा मेन पॉइंट ये है कि दिस इज द डिसीजन ट्री यहां पर एक चीज आपको नोटिस करनी है कि यहां पर आपका एक्स वन एक्स टू है ये जो जेड एक्सिस है ना इस पे रेजिडल्स है ठीक है इसलिए आपको दिखाई देगा कि पॉइंट फाइव है माइनस पॉइंट फाइव है और ऊपर पॉजिटिव पॉइंट फाइव है तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है कर्व ये ओरिजिनल डेटा के ऊपर नहीं है इस डेटा के ऊपर नहीं है ये ग्राफ प्लॉटेड है रेजिडुअल्स के ऊपर ठीक है ये रेजिडुअल्स वाला ग्राफ है तो यू कैन सी हमारा जो मॉडल है वो रेजिडुअल्स को सही से प्रिडिक्ट कर पा रहा है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा ये जो हमारा डिसीजन ट्री है इसके दोनों लीफ नोड्स के लिए हम लोग अपना गामा वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और गामा वैल्यूज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये रहा जो मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था अगर आपको याद होगा आ, मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ ठीक है ये सेम फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से हमने अपने दोनों लीफ नोट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली ठीक है और फिर अब हमें क्या करना है हमें ओवरऑल प्रोडिक्शन निकालना है तो हम अपने फर्स्ट मॉडल को लेंगे और हम अपने पहले डिसीजन ट्री को लेंगे और इन दोनों को कंबाइंड यूज करके हम अपना आउटपुट कैलकुलेट करेंगे जो कि इस कोड में किया गया है यू कैन सी यूजिंग दिस और फिर उन्होंने क्या किया ये प्लॉट कर दिया एक्चुअल डेटा के ऊपर दिस इज एक्चुअल डेटा यू कैन सी यहाँ पर वाई का वैल्यू फिर से जीरो और वन है एंड यहां पर देखो अब आपको दो करव दिखाई देंगे यहां से चीजें इंटरेस्टिंग हो रही है द फर्स्ट कर्व this purple curve is f not x the initial model ye wala model hai let me show you uh yeah this this model theek hai ye wala model hai aur ये जो आपको दूसरा दिखाई दे रहा है red and yellow, ये आपका combined model है समझना इस बात को क्या बोल रहा हूं मैं जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है वो स्टेज वन मॉडल है एफ नॉट एक्स और जो आपको रेड प्लस येलो कर्व दिख रहा है वो आपका कंबाइंड मॉडल है एफ नॉट एक्स प्लस एफ वन एक्स पे वन एक्स इज अ ट्री ठीक है तो आपको शायद देख करके थोड़ा समझ में आएगा कि रेजिडुअल्स जो होंगे वो सेकेंड वाला जो कर्व है रेड एंड येलो उसके थोड़े कम आएंगे उसका एरर थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दिस पर्पल वन और यही दिखाया गया है नेक्स्ट प्लॉट में यू कैन सी इस प्लॉट का ये रहा रेजिडुअल्स तो यू कैन सी ये वाले जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स के लिए जो रेजिडुअल वैल्यू है जो एरर है वो बहुत रिड्यूस हो गया ठीक है अब हम क्या करेंगे इसी बात को रिपीट करेंगे तो फिर से हमने क्या किया रेजिडुअल्स को लिया जो हमारे सेकेंड स्टेज के रेजिडुअल्स हैं

जो पर्पल कर्व है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है नाउ दिस इज पर्पल और एफ नॉट एक्स प्लस एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स का जो कॉम्बिनेशन है जहां पे ये भी डिसीजन ट्री है ये भी डिसीजन ट्री है ये आपका रेड एंड येलो में है यानी कैन सी कि थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हुआ है पर्पल वाले के कंपैरिजन में अगर आप रेड और येलो वाले को कंपेयर करो तो वो और इस तरीके से डेटा के साथ लाइक like, मर्ज कर रहा है कि जो एरर है वो रिड्यूस हो जाएगा यू कैन सी यहाँ पर ये फ्लैट ऊपर जा रहा था इसने यहाँ पर भी एक कट ले लिया ठीक है और फिर अब क्या किया है जो ऑथर है उन्होंने इस स्टेप को रिपीट किया कई बार बाय राइटिंग दिस कोड और यू कैन सी दिस इज द रिजल्ट आई शो यू तो ये सारे एक्चुअली लोड नहीं हो रहे हैं जस्ट की मी वन सेकेंड डू इज आई जस्ट रन दिस कोड वन मोर टाइम एंड वी कैन सी द रिजल्ट द रिजल्ट इज ब्यूटिफुल एक्चुअली आपको देख करके काफी इंट्यूशन मिलेगा कि ये पूरी चीज कैसे काम कर रही है सो या वे यू कैन सी ये रहा आपका एफ नॉट एक्स सबसे पहला मॉडल उसके बाद ये है आपका दूसरा मॉडल दिस इज योर सेकेंड मॉडल एंड ये साइड में आपके रेजिडुअल कर्व्स हैं ज़्यादा ध्यान आपको वैसे इस साइड लगाना है यू कैन सी दिस इज माय सेकेंड स्टेज मॉडल जहाँ पे मैंने एफ नॉट एक्स एफ वन एक्स को ऐड किया फिर ये है मेरा स्टेज थ्री मॉडल स्टेज थ्री मॉडल जहाँ पे मैंने एफ वन एफ नॉट एक्स X और X, X, दो decision trees बनाए और 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 दो बनाए उन तीनों को combine किया, ठीक है? You can see. उसके बाद हम और आगे अगर बढ़ रहे हैं, तो अब पीछे की से भी फ्लेक्सिबिलिटी आ रहा है हमारे डिसीजन बाउंड्री में यू सी दिस इज आफ्टर एडिंग थर्ड डिसीजन ट्री फिर लास्ट जब डिसीजन ट्री एड किया तो यू सी फाइनल डिसीजन बाउंड्री दिस इज द फाइनल डिसीजन बाउंड्री एंड नाउ जस्ट इमेजिन ये आपको थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा इस कोड में नहीं दिया गया है अब आप इस कोड को ऊपर से देखो लाइक इस तरीके से इस तरीके से इस इस एंगल पे देखो और टू डी में इमेजिन करो तो आई होप आपको समझ में आ रहा है इन फैक्ट वो इज आक अ स्क्रीन शॉट And I'll paste it here. You can see, अगर आप इसको टू डी में इमेजिन करो तो क्या हो रहा है कि ये जो सेंटर वाले पॉइंट हैं यहां पर ये red color का एक डिसीजन बाउंड्री like बन जा रहा है और ये रेड कलर का एक डिसीजन बाउंड्री बन जा रहा है और बाहर की साइड आपका यहां पे येलो डिसीजन बाउंड्री बन जा रहा है लाइक दिस तो इस तरीके से हम पांच मॉडल्स को यूज करके इस नॉन लीनियर डेटा को क्लासिफाई कर पा रहे हैं एंड दैट इज हाउ ग्रेड बूस्टिंग वर्क्स इन द केस ऑफ क्लासिफिकेशन ठीक है तो ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल मैंने बस आपको इसलिए दिया सो so दैट आप विजुअली इमेजिन कर पाओ आपके दिमाग में पिक्चर्स बन पाए कि जो आपने यहाँ पर एक एग्जाम्पल एक के थ्रू पढ़ा था वो जोमेट्रिकली स्पीकिंग दिखता कैसा है ये दोनों चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आई विल आई एम प्रिटी श्योर कि आप अच्छा कंट्रोल ले पाओगे ग्रेडियन बूस्टिंग पे ठीक है सो so, या आई वुड रिकमेंड जस्ट एक बार ये ब्लॉग पढ़ो आप बहुत अच्छे से लिखा हुआ है ये ब्लॉग और ये कोड आप खुद से चला के देखो ठीक है हाथ में जब कोड रहता है उसके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ज्यादा सीखते हैं सो या गाइस आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट आई एम प्रिटी श्योर अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय